लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट। चुनाव की तिथियां घोषित होने के साथ ही जैसे मौसम ने भी करवट ले ली है, नए जोश नई उमंग के साथ मतदाता तैयार हैं समय पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए। मेरा नाम अनन्या श्रेष्ठा है और मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती हूँ। इस बार मैं दूसरी बार लोकसभा के चुनाव में मतदान दूंगी और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। लोकतंत्र को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है और हर एक मतदान देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। मैं इस बार भी अपने मतदान का उपयोग करके देश की सफलता में हिस्सा बनना चाहूंगी। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान, जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनो, जहां मतदाता तैयार है भारत निर्वाचन आयोग लगातार उन्हें जागरूक करता आ रहा है। कहीं सक्षम ऐप के माध्यम से जो कि दिव्यांगजनों को मतदान के लिए पंजीकरण कराने से लेकर वोट डालने तक कई सुविधाएं प्रदान कराता है। मेरा नाम साय सिंह है, मैं दिव्यांग हूं। मैंने हाल ही में अपना एनरोलमेंट वोटर लिस्ट में करवाया है। मेरा मानना है कि हर दिव्यांग भाई बहन को जो मतदाता बनना चाहते हैं, वह अपना नाम जरूर एनरोल करवाए, यह हमारी आवाज है। वोटर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950 याद है ना आपको, जो आपको देगा आपके वोटर आईडी कार्ड की जानकारी, मतदान केंद्र की जानकारी। पहली बार मतदान करना एक अनुभव होता है, ये अनुभव हमें जागरूक और सजग बनाता है। मेरा नाम तान्या है। अब मुझे बताते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है कि मेरा पहचान पत्र मेरे हाथ में आ चुका है। यह पहचान है मेरे अधिकार की और इसका सही इस्तेमाल है मेरे हित में। तो मैं करूंगी अपना पहला मतदान, आप भी करिए और देश को मजबूत बनाइए। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। इस बार पहली बार वोट करने जा रही हूँ। मेरा वोटर आईडी कार्ड मेरे पापा ने बनवाया, सारा प्रोसेस ऑनलाइन हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब वोट डाल सकती हूँ। मैं अपनी पसंद का नेता चुन सकती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम शिवांश है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए अंतिम वर्ष का विद्यार्थी हूँ। इस बार के चुनावों को लेकर मैं बेहद एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला मतदान होगा। जब मैंने ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्टर किया था, मैं तभी से बड़ा उत्साहित था कि कब मेरे हाथ में मेरा वोटर आईडी कार्ड आएगा जो मुझे भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने का गौरव देगा और मेरी पहचान और ज्यादा पुख्ता करेगा। और आखिर मेरे पास मेरा ये पहचान पत्र आ गया है और अब मैं अपने पहला मतदान के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आज समाज के हर वर्ग के साथी उत्साहित है अपने मत को लेकर, क्योंकि लोकतंत्र में महत्व है एक एक मत का। मेरा नाम राहुल है और मैं डिलीवरी बॉय हूँ और मैं वोट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपना वोट दें जाके। मैं मनोज शाह, पेशे से मैं ड्राइवर हूँ और मैं लोकसभा ये चुनाव होने जा रहा है, मैं इसे पहली बार मैं मत अपना देने जा रहा हूँ। मुझे अंदर बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस मतदान में पहली बार मैं जा रहा हूँ शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं पवन साहू, पेशे से किसान हूँ। चुनाव में अपने मतदान का हम सभी को उपयोग करना चाहिए, बिना किसी भय के ऐसी सरकार चुने जो देश को विश्व पटल पर मजबूती से आगे बढ़ा सके। खुद अपनी नगरी का नव निर्माण करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। जब हम बात कर रहे हैं मत की,
मतदान की, तो हमारे फौजी भाई कैसे भूल सकते हैं अपने कर्तव्य को। वो दूर रहकर भी करते हैं मतदान पोस्टल बैलेट से। नमस्कार, मैं पूर्व मेजर डॉक्टर हिमांशु। मुझे कारगिल युद्ध और सियाचिन में अपने देश की सेवा का सौभाग्य मिला। प्रजातंत्र में आम नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार वोट का है। यह मौका भी है अपनी पसंद या नापसंद से हुकूमत को चुनने का। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानी दी है। फौज में फील्ड इलाकों से काफी फौजी बड़े उत्साह से पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान करते हैं। इसे जिम्मेदारी और सफलता से अंजाम देना फौज और निर्वाचन आयोग के लिए खासा मशक्कत का काम होता है। 1998 में कश्मीर घाटी तैनाती के दौरान मुझे इसका अनुभव हुआ। वहां शांतिपूर्ण मतदान कराना एक बड़ी उपलब्धि थी और गर्व की अनुभूत भी। वोट जिम्मेदारी से डालें और जरूर डालें। जय हिंद। चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। कहते हैं दूरियां सिर्फ एक बहाना होती हैं, और अगर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं तो कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टल बैलेट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर और अपने होम टाउन जाकर। और अगर आप पोस्टिंग पर हैं या ट्रांसफर पर आए हैं तो नए जगह के लिए फॉर्म 8 भरकर अपने निवास का पता चेंज कराकर अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा नाम अंजू अहिरवार है, मैं नोएडा की निवासी हूँ। हमारे देश में इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव है। चूँकि मेरे हस्बैंड ऑल इंडिया सर्विसेज में रहे हैं, तो पिछली लोकसभा के चुनाव में मैं झांसी गई थी और झांसी में जा करके मैंने अपना मतदान दिया। कि मेरा जो वोटर आईडी कार्ड था वो तो मेरे ससुराल झांसी का था और मैं अब निवासी हूँ नोएडा की, तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं अपना वोटर आईडी कार्ड नोएडा का बनवाऊं। यह सब डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद मेरा वोटर आईडी कार्ड अभी बनकर आ गया है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज सब लोग मतदान जरूर दें और अपना वोटर आईडी जरूर बनवाएं। मतदान एक उत्सव है जो हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जिस तरह पर्व और उत्सव हमारे सांस्कृतिक विरासत को मनाने का मौका देते हैं, समृद्धि और खुशियां लाते हैं, उसी प्रकार मतदान एक उत्सव है। इस पर्व में लोग उत्साह से भरे होते हैं क्योंकि वे जानते हैं उनका मत उनकी ताकत है। इसी ताकत का एहसास कराते हैं हमारे युवा साथी जो देंगे पहली बार अपना मतदान, पर उनकी बातों में दम है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वोट वाले दिन सिर्फ देना है वोट, ना कि मनाना है छुट्टी। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ गुप्ता है, मैं एक युवा वोटर हूँ। मेरे को एक ऐसी अनुभूति होती है जैसे देश की सरकार तय करने में मेरा एक छोटा सा योगदान है। मैंने अपने पहले मतदान के दौरान ये ऑब्जर्व करा कि लोग मतदान देने की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे पहली बार वोट देने का अनुभव कुछ खट्टा कुछ मीठा रहा, कि पहली बार वोट देने का एक उत्साह अपने आप में अलग होता है। मेरा ये अनुभव मीठा इसलिए रहा कि सब लोग एक सूत्र में बंध चुके हैं और उसमें कई बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं जो व्हीलचेयर पर आकर के भी मतदान में अपना योगदान दे रहे थे, और कुछ दिव्यांग व्यक्ति भी थे जो अपनी कठिनाइयों को झेलने के बावजूद मतदान में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन मेरा अनुभव खट्टा वहां हुआ जब मैंने देखा कि कई लोग मतदान देने के दिन को छुट्टी की तरह कंसिडर कर रहे थे। जरा सोच कर देखिए, सब लोग ये सोचेंगे कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, तो देश एक अच्छी सरकार को खो सकता है। मैंने यह भी देखा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का सहयोग करने के लिए बहुत सारे कर्मचारी मौजूद थे। मतदान को रुचिकर बनाने के लिए वहां पर सेल्फी पॉइंट्स भी बने हुए थे जिस पर मतदाता वोट करने के बाद फोटो खिंचवा रहे थे, और उनका उत्साह देखने लायक था। मतदान की प्रक्रिया में चुनाव आयोग का बहुत श्रम लगता है और देश का बहुत खर्चा होता है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम भी मतदान जरूर करें और देश का सहयोग करें। वोट करो, मतदान करो, मतदान करो, सब लोग। आइए सभी मिलकर मतदान का उत्सव मनाएं। आपके वोट का एक ही मंत्र है, वो है देश के भविष्य का निर्माण। लोकतंत्र का राज है वोट।